राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट एके रैकेट राल्फ 2, ये मूवी सेकंड पार्ट है मूवी रैकेट राल्फ का, जो कि बनी 2012 में, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके उस मूवी का रिव्यू देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट एके रैकेट राल्फ 2 को डायरेक्ट किया है रिच मूर ने और फिलिक्स जॉनस्टन ने। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग इसके पहले मूवी के दौरान ही चालू हो गई थी जब वो मूवी हिट हुई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस की वजह से ये मूवी डिले हो गई। एंड आई थिंक शायद यही रीजन है कि एक हद तक इस मूवी की स्टोरी जाकर कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है, जिसके बारे में अगेन हम आगे बात करेंगे। इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे राल्फ और वेनेलोप शुगर रश के गेम को टर्बो से बचाते हैं और कैसे ये सब करते वक्त ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और कैसे वो एक पक्के दोस्त बन जाते हैं। इसके साथ साथ हमने लिटविक्स फैमिली फन सेंटर में जितने भी गेम्स हैं उनके कैरेक्टर्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए भी देखा, और ये सारी चीजें हमें दिखाई गई कुछ लाजवाब अंदाज में, जिसमें अगेन कॉमेडी और एक्शन का तड़का भी मारा गया था, जिसकी वजह से अगेन हमें ये मूवी बहुत पसंद आई थी। राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में भी इस कहानी को कंटिन्यू की गई है, जहां पर लिटविक्स फैमिली फन सेंटर में राल्फ और वेनेलोप एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। 6 साल हो चुके हैं और अब वेनेलोप को अपने लाइफ में कुछ ट्विस्ट चाहिए, क्योंकि उसी शुगर रस गेम से वो कहीं ना कहीं बोर हो गई हैं। अब राल्फ इनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी शुगर रस गेम का हैंडल टूट जाता है। अब क्योंकि ये काफी ओल्ड आर्काइटिक गेम है तो इसका हैंडल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगेन जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ पर ये इतना महंगा है कि लिटविक फैमिली फन सेंटर के ओनर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस आर्काइड गेम को वो कबाड़ में बेच देंगे। सो इसकी वजह से शुगर रस के जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो सब डर जाते हैं। अब सोचते हैं कि अगर गेम को अनप्लग किया गया तो वो कहाँ जाएंगे। अगेन इस चीज को लेकर वेनेलोप भी अब काफी उदास हो गई है, और एक बार फिर राल्फ को आइडिया आता है कि वो ईबे पे जाकर एक बार फिर नया हैंडल ऑर्डर करेंगे जिससे इस आर्काइड गेम को बचाया जा सकता है। अब इसके लिए इनको आर्काइड गेम से निकलकर इंटरनेट की दुनिया पे जाना है ताकि ये ईबे में जा सके और वहाँ से ये हैंडल ऑर्डर कर सके। इसके लिए ये सहारा लेते हैं वाईफाई का, मगर जब ये इंटरनेट की दुनिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पर अच्छी चीजें इनको अट्रैक्ट तो करती हैं, मगर उसके साथ साथ बुरी चीजें भी इनका पीछा करने लगती है। वहीं पर वेनेलोप जब इस इंटरनेट की दुनिया में आती है तो वो देखती है कि आर्काइड गेम के बाहर की दुनिया यानी कि इंटरनेट की दुनिया तो आर्काइड गेम से ज्यादा बेहतर है, और अब इस इंटरनेट की दुनिया ने उन्हें काफी अट्रैक्ट कर लिया है, और इसी की वजह से अब वो शायद से आर्काइड गेम की दुनिया में वापस जाना नहीं चाहती। तो अब इंटरनेट की दुनिया की वजह से क्या वेनेलोप राल्फ का साथ छोड़ देगी और इंटरनेट में ही रहेगी, और क्या एक हैंडल के चक्कर में राल्फ वेनेलोप को खो देंगे? कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी कुछ अमेजिंग रेसिंग सीक्वेंसेस से, थोड़े बहुत कॉमेडी से और ढेर सारे एनिमेटेड कैरेक्टर से। सो क्या ये मूवी अपने पहले मूवी से अच्छी है या नहीं, और क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। क्या लोग तुम्हें एक अबला नारी समझते हैं जिसे हर मुश्किल से सिर्फ एक मर्द ही बचा सकता है? हाँ, पर ये नारी है 100 पे भारी। ये प्रिंसेस ही है। राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट हिंदी में। मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं जल्दी से ये बता दूं कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुई 23 नवंबर 2018 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में इन 2D एज वेल एज 3D फॉर्मेट। तो आज और बीते हुए कल का जमाना काफी बदल चुका है। कल लोग आर्काइड गेम्स खेलते थे रियल लाइफ में, उसके बाद में गेमिंग कंसोल्स आए, और अब तो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। अब पबजी को ही ले लो, मतलब अभी के टाइम में पबजी ने पूरे इंडिया में बेसिकली या फिर यूं कहूं पूरे वर्ल्ड में शायद धूम मचा के रखी है। ठीक उसी तरह कल को कंसोल गेम का जमाना था, उसके पहले आर्काइड गेम्स का जमाना था, मगर वो जमाना बदलता गया और वक्त के साथ साथ लोग भी और उनके चॉइसेस भी बदलते रहे। कहने का स्ट्रेट मतलब ये है कि चेंज इज इनएविटेबल, मतलब कल को शायद पबजी नहीं कोई और गेम फेमस हो। इसी चेंजेस को, इस कड़वी सच्चाई को बड़े ही इमोशनल तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इन सभी आर्काइड गेम के कैरेक्टर्स को रियल इंसानों से जोड़ा गया है, जहां पर हमारी चाह बदलती है वहीं पर इन कैरेक्टर्स की भी चाह बदलती है। मगर राल्फ को ये पसंद नहीं आता कि उनकी चुटकी अब आर्काइड गेम में नहीं बल्कि इंटरनेट की इस दुनिया में रहना चाहती है, और वो उनके साथ रहने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अगेन इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स डाले गए हैं, जैसे कि डिज्नी की सारी प्रिंसेस, सोनिक, स्टार वॉर्स के कैरेक्टर और काफी सारे लोग। बट कहीं ना कहीं एक लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा हो गए, क्योंकि एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी अपने मेन स्टोरी प्लॉट से यानी कि राल्फ और चुटकी से थोड़ी हटके जा रही थी। स्टोरी कहीं ना कहीं इन दोनों कैरेक्टर से स्विच होके इट वॉज गोइंग ऑल अबाउट द अदर कैरेक्टर्स ऑफ
डिज्नी प्रोडक्शंस, जो कि बेसिकली कह सकते हैं कि इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट था। ऑल्सो हमें एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर देखने को मिलता है काफी टाइम के लिए इस मूवी में, जिसका नाम है शैंक, जिसकी आवाज दी है हमारी वंडर वुमन यानी कि गैल गाडोट ने। हिंदी में आई डोंट नो किसने आवाज दी है, बट आई रियली एंजॉयड दिस कैरेक्टर। इस शैंक कैरेक्टर को काफी बैडास, दमदार और एक एक्सेलेंट कार रेसर के तौर पर दिखाया गया है। मूवी में काफी सारे इंस्टेंसेस में कार रेसिंग सीन्स है जो आप जब देखेंगे तो आपकी सांसें ऑलमोस्ट लिटरली रुक जाती हैं। आई मीन अगर ये एक लाइव एक्शन मूवी होती और वो सभी कार रेसिंग सीक्वेंसेस उसमें डाले गए होते हैं तो इट वुड हैव बीन अ सुपर हिट मूवी। सो ओवरऑल आई रियली लव्ड एंड एंजॉयड दिस कैरेक्टर, भले ही उतना स्क्रीन टाइम नहीं है बट जितना भी है इट वॉज वर्थ इट। चलिए अब उन छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़े वक्त के लिए ही सही बट जब भी स्क्रीन पर आते हैं आपके होठों पे ऑलमोस्ट एक स्माइल आ जाती है। सबसे पहले हमारे तुक्का लाल, जिनको हम अंग्रेजी में नोज मोर के नाम से भी जानते हैं। गजब की हिंदी डबिंग थी यार, आई मीन इनकी बीवी का नाम रखा गया है अनुमानवती, इनका नाम है तुक्का लाल और ऊपर से जो एक्सप्रेशन से ये बात करते हैं मूवी में, आई रियली लव द कैरेक्टर। हमें इस मूवी में यस नाम की कैरेक्टर भी देखने को मिलती है जो कि बस ट्यूब की हेड है, बट अनफॉर्चुनेटली उस कैरेक्टर को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। देयर माइट हैव बीन मच मोर कॉमेडी सीन्स रिलेटेड टू हर, बट कुछ कॉमेडी सीन्स उनको लेकर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हमें शॉपिंग लिए एक बीपीटी नाम का कैरेक्टर यानी कि बिन पूछे टपकता हूं नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। बेसिकली ये रियल लाइफ में अलर्ट होता है जो कि आपको ऑलमोस्ट अलर्ट करते रहता है कि ये काम करने के लिए आपके पास में इतना टाइम है, ये काम करने के लिए इतना टाइम है, आप कर लो। सो ये कैरेक्टर का नाम दिया गया है बिना पूछे टपकता हूँ एंड इट वॉज रियली फनी। वो बीच बीच में आता है, बोलता है आपके पास में 8 घंटे हैं शुगर रश की इनको बचाने के लिए, आपके पास में इतने घंटे हैं, एक्सेट्रा एंड लाइक। उसके अलावा कुछ नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है इस मूवी को फन, कॉमेडी और एंटरटेनिंग बना रही थी। अगेन जहां पर ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स आपको एंटरटेन करते हैं, फन देते हैं, कॉमेडी एहसास देते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि हैं इस मूवी में बट आपको उतना इंप्रेस नहीं कर पाते, उतना फन या उतना कॉमेडी फील नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इस मूवी में ढेर सारे कैरेक्टर्स डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवी लेस इंटरेस्टिंग लगती है। आई मीन लाइक कोई जरूरत नहीं थी इतने कैरेक्टर्स की बट बस उन सभी को भर दिया गया किसी कारण की वजह से। अगेन इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स की वजह से मूवी अपने मेन प्लॉट से कहीं ना कहीं हटते रहती है, जिसकी वजह से इस मूवी की स्टोरी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार फिर मुझे इस मूवी का प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत पसंद आया। फॉर एग्जाम्पल इस मूवी में एक सीन है जहां पर आप जब भी लाइफ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, मैं 2 सर्च करता हूँ गूगल पे, एक ABCD और दूसरा XYZ, तो इसमें दिखाया गया है कि जब भी कोई सर्च करता है तो मेरा खुद का एक अवतार इंटरनेट में जाता है, एक अवतार जाता है XYZ सर्च को लेकर और एक अवतार जाता है ABCD सर्च को लेकर और इंटरनेट में जाके सर्च करता है। दिस वॉज समथिंग रियली यूनिक। आई मीन लाइक आपको एहसास है कि जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, उसी चीज को इसमें दिखाया गया है कि आप ही का एक अवतार जा रहा है सर्च करने ये टॉपिक लेकर, दूसरा ये टॉपिक लेकर सर्च करने जा रहा है। दैट वॉज रियली समथिंग यूनिक, बहुत ही हटके। आई मीन लाइक जिसने भी दिमाग लगाया है, वाओ सीरियसली दैट वॉज टोटली यूनिक एंड इट वॉज रियली गुड। इस मूवी में रूमर्स थे कि इसमें एंड क्रेडिट एज वेल एज पोस्ट एंड क्रेडिट सीन्स भी हैं, जहां पर हमें फ्रोजन 2 का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। अब एंड क्रेडिट सभी ने ट्रेलर में देख ही लिया है तो वो कोई स्पॉइलर नहीं है, हाँ, मगर पोस्ट एंड क्रेडिट सीन में अगेन हमें इस मूवी से रिलेटेड, इस मूवी के इंटरनेट टॉपिक से रिलेटेड चीज दिखाई गई है, जहां पर एंड में आपको फ्रोजन 2 का एक ट्रेलर का सीन देखने को मिलता है जहां पर लिखा गया होता है कि क्लिक हियर टू वॉच अ ट्रेलर, मगर जब उस लिंक पर क्लिक होता है तो आपको फ्रोजन 2 का ट्रेलर नहीं बल्कि रैप दिखता है एक गाना गाते हुए, जो कि एक एक्चुअल सिंगर यानी कि रिक रोल रिक एस्ली से रिलेटेड है एंड दिस इज व्हाट यू एक्चुअली सी। इस मूवी में एक हिंदी सॉन्ग भी है जिसने अफकोर्स मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। जिस तरह से हम अपने रियल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ठीक उसी तरह से दिखाया गया है कि इस आर्काडे गेम्स के कैरेक्टर्स भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड अफकोर्स जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से जब ये लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं इंटरनेट की दुनिया में आते हैं तो वहां पे वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग। सो बेसिकली रियल लाइफ और गेमिंग लाइफ इन दोनों चीजों को कंपेयर करके एक्चुअल में इस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपने वर्ल्ड वॉर जी पिक्चर देखा है, जो कि ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, उस मूवी में एक सीन है जहां पर एक ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज एक पहाड़ सा बना लेते हैं, ठीक उसी तरीके से
वैसे ही सीन इस मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है। आई वोंट टेल यू एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है, बट फॉर सम रीजन आई फेल्ट लाइक वो वर्ल्ड वॉर जी का सीन है, विच अगेन वर्ल्ड वॉर जी में ज्यादा अच्छा लग रहा था, इन दिस इट डिडंट रियली फील गुड। सो ओवरऑल 2 घंटे की ये मूवी 1 घंटा 15-20 मिनट तक मुझे काफी ठीक, इंटरेस्टिंग और कॉमेडी से भरी लगी, मगर उसके बाद में जैसे हद से ज्यादा कैरेक्टर्स आते गए ये मूवी टॉपिक से हटती गई और वहां पर ये मूवी मुझे लेस इंटरेस्टिंग लगने लगी। सो ओवरऑल ये मूवी अपने पहले मूवी से अच्छी हो सकती थी अगर ये सारी चीजों पर इस मूवी में थोड़ा सा कंट्रोल किया गया होता, मगर अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी ये मूवी उतनी ही एंटरटेनिंग थी जितनी इसकी पहली मूवी थी, बस उसे थोड़ा सा कम। बट इसकी हिंदी डबिंग ने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए। आई मीन लाइक शायद से मैं इस मूवी को थोड़ा कम रेट करता पहले मूवी से, बट क्योंकि मैंने ये मूवी हिंदी में देखी और हिंदी डबिंग इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इस मूवी को 1.5 एक्स्ट्रा दूंगा। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा ठीक उतना ही जितना मैंने इसके पहले मूवी को रेट किया था, और वो होगा 7.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट AKA रैकेट राल्फ 2। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।